नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट्टी उच्च खबर जमुई से है। सिकंदरा थाना में कार्यरत एक होमगार्ड की तबीयत बुधवार की देर रात अचानक बिगड़ गई, जिसे सहयोगी जवान के द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा लाया गया, जहां होमगार्ड की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक द्वारा बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक होमगार्ड की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के खडुई गांव निवासी नारायण यादव के 52 वर्षीय पुत्र नूनेश्वर यादव के रूप में हुई है। मृतक के साथी होमगार्ड महेंद्र यादव ने बताया कि बुधवार को वे प्रखंड कार्यालय सिकंदरा में ड्यूटी कर देर शाम तकरीबन 7 बजे थाना आए थे। उसके बाद सभी लोग काफी देर तक बातचीत किए थे, फिर सभी लोग एक साथ रोटी और सब्जी खा रहे थे और सो गए। रात के 12 बजे उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे इलाज के लिए पहले एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया, फिर सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जमुई सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। वहीं होमगार्ड की मौत के बाद स्वजन में कोहराम मच गया है। सबको देखने के लिए सदर अस्पताल में काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। स्वजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है।